बांग्लादेश में उपद्रवियों का हिंदू मंदिरों पर हमला, सीएम योगी ने कहा सनातन को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। योगी सरकार ने लागू किया नया अध्यादेश, पैतृक संपत्ति बंटवारा हुआ आसान। सपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, सभी 10 सीटों पर मिलेगी जीत। विकास की बात जो रहा गांव, ग्रामीणों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। बहन के प्रेम प्रसंग से परेशान भाई ने बहन की हत्या को दिया अंजाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब से वहां पर हिंसा की स्थिति बनी हुई है। पहले शेख हसीना के पीएम आवास पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, अब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके घरों और परिजनों पर हमला किया जा रहा है, और जिस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसके भविष्य पर ग्रहण लगता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला लागू किया है। जो आपको बता दें कि सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिनके बीच पैतृक संपत्ति को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, अब वो सिर्फ 5,000 रुपए में उन विवादों को सुलझा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 40 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं। रजिस्ट्री और संपत्ति बंटवारे में अक्सर ये देखा जाता है कि विवाद की स्थिति रहती है, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने आदेश दिया है कि परिवार के बीच संपत्ति के बंटवारे और जिंदा शख्स की ओर से प्रॉपर्टी परिजनों के नाम करने पर 5,000 रुपए का स्टाम्प शुल्क तय किया जाए। अब सिद्धार्थनगर से खबर सामने आई, जहां एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां आज ही विकास मुख्यधारा से गायब हो गया है। जो यहां आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आई, जहां एक ऐसा गांव है जहां आज भी विकास मुख्यधारा से गायब होता हुआ नजर आ रहा है। उसका ब्लॉक क्षेत्र के अजगरा गांव विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। यहाँ के ग्रामीण बुनियादी सेवा से आज भी दूर दिखाई दे रहे हो, यहाँ हर हाल पर यानी कि सरकारी योजना पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही। हर घर जल योजना के अंतर्गत हुए काम के बाद सड़कों का बुरा हाल नजर आ रहा हो, वही बारिश में तो स्थिति बदहाल नजर आती है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम केवल शर्मा ने बताया कि ये बाढ़ ग्रस्त पिछड़ा क्षेत्र है और इस सड़क को लेकर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी 3 साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। अजगरा ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, प्रधान प्रतिनिधि हूँ, और हम लोग का ये बाढ़ इलाका है और पिछड़ा क्षेत्र है, जो कि बाढ़ से ज़्यादा हम लोग का ये ऊपर भारी रहता है। इतना बार हम लोग इस रोड के लिए एप्लीकेशन डाले हैं विधायक जी को, सांसद जी को, डीएम को, लेकिन वो लोग अभी PWD वाले को, तो उन लोग बोलते हैं कि हमारे उसमें नहीं आता है, विधायक जी बोलते हैं हमारे उसमें नहीं आता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किस विभाग में आता है कि ये रोड बन जावे।